जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्. ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पर जेन्युइन और ऑथेंटिक मिलेंगे. नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है. और हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि तुला राशि और वृश्चिक राशि का साल 2020 का मई महीना का जो राशिफल है वो बताने जा रहे हैं. मई महीना आपका कैसा जाएगा ये बताने जा रहे हैं. साथ में हम आपको उपाय भी बताएंगे जिसे यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका और अच्छा होगा. और शुरू करने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि आज जिस माहौल से हम और आप और पूरा देश गुजर रहा है वहाँ पे हमारे घर में हमारा रहना ही सबसे अच्छी देशभक्ति होगी, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा. चलिए तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले तुला राशि से. तुला राशि मतलब न्याय, सहानुभूति, सुसंगतता और अखंडता. कैरियर के लिहाज से तुला राशि जो है एक बहुत ही शांत वातावरण या शांत अवधि महसूस करेंगे मई के महीने में. जन्म कुंडली निश्चित रूप से आपके पिछले आउटपुट की प्रशंसा मतलब अच्छे कामों की वजह से सुस्ती करने की सलाह नहीं देती, आलस नहीं करना है. आपके वरिष्ठ अधिकारी ये देख सकते हैं कि आपने कितनी मेहनत की. मई के खाली समय में आप संस्कृति और कला को समर्पित करें. जो आपको अनुभवों के साथ साथ दिलचस्प बातचीत के विषयों में आपको समृद्ध करेगा. मई के महीने में केतु धनु राशि के तीसरे भाव में, गुरु मंगल शनि मकर राशि के चौथे भाव में, सूर्य बुध मेष राशि के सातवें भाव में, तो उस हिसाब से महीने के पहले सप्ताह में 4 तारीख और 5 तारीख मई की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा समय जो है थोड़ा सा ठीक नहीं है. परिवार के सामने किसी बात पर आपको शर्मिंदा होना पड़ सकता है. तनाव और आलस से आप महसूस कर सकते हैं. आप छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेंगे जो आपको नहीं लगाना है. लोग आपकी भावनाओं का फायदा भी उठा सकते हैं. ये जो ओवरऑल अप्रैल से जून तक का जो समय है ये तुला राशि वाले जातकों के लिए कैरियर और व्यवसाय के क्षेत्र में सफलताओं से भरे हुए रहेंगे. अर्थात आप कई क्षेत्रों में निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाले रहेंगे. हालांकि कैरियर के प्रति आपको और भी सजग होकर चलने की जरूरत बनी रहेगी. शनि कुछ समस्याओं का संकेत देकर सावधानी से आगे बढ़ने के लिए आपको कह रहे हैं. वैसे ग्रहीय गोचर जो है पूरे साल का 2020 में, तो खास करके आपका अप्रैल, मई और जून आपके कामों को खराब करने वाले नहीं रहेंगे. फिर भी आप एहतियात के तौर पर नियमों और अनुशासनों को बनाए रखेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलता रहेगा. ये बिल्कुल सही बात है. मई में छोटे मुद्दे जो काम में और साथ ही निजी जीवन में आते हैं उन्हें बड़ी ही आसानी से एक विचारशील भाव से आप तय कीजिए. छोटे छोटे मुद्दे, अधिक ध्यान देना या उदाहरण के लिए दोपहर के भोजन के लिए अपने दोस्तों को आमंत्रित कीजिए, थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, तो निश्चित रूप से आपके जो रिलेशन है वो अच्छा खासा डेवलप होगा मई में, जो आगे चल के आपके व्यवसाय में आपको फायदा करेगा. अब हम आगे आपको बताते हैं. 8 और 9 मई का समय मानसिक सुख शांति वाला रहेगा. आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी. वाहन सुख मिलेगा. दुश्मन आपकी बुराई करेंगे. नए नए स्रोतों से पैसा आ सकता है. महीने के तीसरे सप्ताह में विद्यार्थियों को मेहनत का बेहतर परिणाम मिलेगा. आप योजनाबद्ध तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे और अंतिम सप्ताह में आप बेहतर खान पान का आनंद उठाएंगे. ससुराल पक्ष से आपको सहयोग मिलेगा और मई के महीने में आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे. मई महीने में तुला राशि वाले हम आपको उपाय बता देते हैं. आपके लिए एक ही उपाय है कि आप यथासंभव आप गरीबों की मदद करें और शनिवार के दिन जाकर मंदिर में आप काले चने बांटें
और अपने सहकर्मियों के साथ आप बिल्कुल अच्छा व्यवहार करें। अगर पॉसिबल है आपके लिए तो कम से कम महीने में 4-5 दिन आप चींटियों को आटा डाल दीजिए। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि का। वृश्चिक राशि मतलब सावधान सेनानी, दूरदर्शी और दूसरे के प्रति संवेदनशील। तो अकॉर्डिंग टू प्लैनेटरी सिस्टम हम आपको बता रहे हैं, वृश्चिक को मई में अत्यंत भ्रामकता से सावधान रहना चाहिए, भ्रम में ना पड़े। आपके आसपास में बहुत छोटे चालबाज हैं, चाहे वो एक संभावित साथी हो, वित्तीय सलाहकार हो या सहकर्मी हो, उसके जो इरादे होंगे वो अनुचित ही होंगे, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है मई के महीने में। आपकी अधिक ऊर्जा खेलते वक्त बाहर आ सकती है, तो ज़्यादा खेल कूद करने की जरूरत नहीं जो खिलाड़ी हैं, क्योंकि मई के महीने में केतु धनु राशि के दूसरे भाव में, गुरु मंगल शनि मकर राशि के तीसरे भाव में, सूर्य बुध मेष राशि के छठे भाव में, तो महीने की शुरुआत में बच्चों की उच्च शिक्षा को लेकर आप योजना बना सकते हैं। 2 और 3 मई को भागदौड़ बनी रहेगी, तो उस समय आपका फोकस बिजनेस पर भी होगा। ये जो आपका अप्रैल से जून तक का जो महीना है, जो अप्रैल तो जा चुका है, तो ये जो महीना है 3 महीना आपके पास, तो वृश्चिक राशि के लिए ये एक व्यावसायिक उत्साह देने वाले महीने हैं, जिससे आप अपने कई व्यापारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में दिलचस्पी रखेंगे और आपको करना भी चाहिए। इस दौरान आपको किसी क्रय विक्रय के संबंधित कामों को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी रहेगी, वो आप कर सकते हो मई के महीने में। हालांकि आपको ग्रहीय योग को ध्यान रखते हुए चलने की जरूरत होगी। देखिए वर्ष 2020 जो है, तो ये इन माहों में गुरु का गोचर आपके पराक्रम भाव में रहेगा, वहीं शनि भी आपके पराक्रम भाव में पहुंचकर आपको किसी विवाद में विजय यानी कि न्याय दिलाने वाले रहेंगे, तो आपका मई के महीने में कुछ नुकसान वगैरह नहीं होने वाला। आपके दीर्घकालीन जो संबंध है वो बढ़ेंगे। अगर शुरुआत में कुछ प्रश्न थे तो इस अवधि में वो आपस में आप दूर कर लोगे, मनमिटाव था तो उसको खत्म कर लोगे। आप अपने साथी के साथ एक ही स्तर पर हैं और बिना शब्दों के एक दूसरे को समझते हैं और समझाने की कोशिश करेंगे। पूरी प्लानिंग के साथ आप मिलिए, कुछ नुकसान कहीं नहीं होगा, आप फायदे में रहोगे। कोई महंगा उपहार आपको मिल सकता है, रुका हुआ पैसा मिल सकता है। महीने के दूसरे सप्ताह में आपको गुप्त बात उजागर हो सकती है। बिजनेस में नुकसान के योग भी इस समय बन रहे हैं। कोई निकट परिजन इस समय अस्पताल में एडमिट हो सकता है, तो इस समय विपरीत लिंग से दूर रहने में ही भलाई है। 16 मई को महालक्ष्मी योग से पैसा तो आएगा, लेकिन उतनी ही तेजी से चला जाएगा। एडवांस से बता रहा हूं ताकि आप पकड़ के रखो, पकड़ सकते हो। तो संपत्ति से जुड़े विवाद का फैसला आपके पक्ष में होगा। इस समय कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है और महीने के अंतिम सप्ताह में आपका ध्यान अध्यात्म की ओर रहेगा, तो इस समय आप मन की शांति अनुभव करेंगे। उपाय भी मैं आपको बता देता हूं, पर उपाय बताने से पहले फिर एक बार पुनः आग्रह करता हूं कि आज हम, हमारा परिवार, हमारा देश, हमारा समाज जिस स्थिति से गुजर रहा है, उस स्थिति में यदि हमें अपनी देशभक्ति दिखानी है, अपने परिवार के प्रति अपना दायित्व दिखाना है, समाज के प्रति अपना दायित्व दिखाना है, तो हमारे लिए जो सबसे अच्छा काम रहेगा वो ये होगा कि हम अपने घर में बैठे हैं। जब तक कहा गया है, मतलब 14 अप्रैल तक। अब हम आपको उपाय बता देते हैं वृश्चिक राशि वाले, यदि आप करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप आपको अनेकों समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आप उन्नति के मार्ग पर ऑटोमेटिक कदम बढ़ाएंगे। आप एक देसी घी का दिया जलाकर श्री हरि विष्णु जी की पूजा कीजिए थर्सडे के थर्सडे, पहला काम। दूसरा काम, जितनी आपकी क्षमता हो, जितनी आपकी शक्ति हो, उतना आप भूखों को भोजन कराइए और ब्राह्मणों को दान दीजिए, निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है।
आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए और हम चाहेंगे कि हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि राशिफल के अलावा भी हम कुछ ना कुछ मैसेज आपको दे ही रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि मैसेज और लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।